अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नहीं बेटा, तू कहीं नहीं जाएगी। तू इस खानदान का खून है, ये घर तेरा है और तेरा ही रहेगा। नहीं रहेगा मम्मी जी, मैं आपको लिख के देती हूँ, नहीं रहेगा। एक दिन रघुबीर भाई साहब और जानकी भाभी इस तुलसी को गोद ले लेंगी, उसके बाद कानूनी तौर तरीके से अपनी बेटी बना लेंगे इसे। फिर सड़क छाप लड़की के साथ अपने जिंदा का हिस्सा बटेगी। उर्मिला सही कह रहे माँ, ये तुलसी की किस्मत बहुत अच्छी है। शायद आप नहीं देख रहे हो लेकिन मैं देख रहा हूँ माँ। जो कुछ भी हमारी वृंदा के नाम है ना, सब कुछ, प्रॉपर्टी, घर, बिजनेस, सबका आधा हिस्सा ले जाएगी ये तुलसी। ऐसा होने नहीं दूंगी मैं राकेश। ये काम कर, तू वकील को और बैंक वालों को आज ही बुला। तेरे पापा की बनाई हुई विल पर दस्तखत करने का वक्त आ गया है। मतलब पापा की विल? वही विल जिसमें सब कुछ वृंदा के नाम? हाँ, सब कुछ वृंदा के नाम हो जाएगा। विल के पेपर मंगवा, आज उस पर थप्पा भी लगेगा और दस्तखत भी होंगे। जी माँ। ये घर वृंदा का ही है और उसी का रहेगा। मम्मी जी, पेपर वर्क तो हो जाएगा, पर रघुबीर भाई साहब का क्या? वो तो वृंदा के गार्डियन है ना। कहीं ऐसा ना हो कि ये सड़क छाप लड़की भाई साहब और जानकी भाभी को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा के सब कुछ अपने नाम कर ली तो उसके बाद तुलसी इस घर पर राज करेगी माँ और हमारी पिता से बर्तन मंजवाएगी। मम्मी जी, मेरे पास इससे बचने का एक तरीका है। कैसा तरीका? माँ मैं बताता हूँ, क्या आप मुझे और उर्मिला को रायचंद ट्रस्ट के बोर्ड मेंबर्स बना सकती हैं? अगर ऐसा हुआ तो हम सब चीजों पर निगरानी रख पाएंगे। हर कोई चीज जो कंपनी में हो रही है हम उस पर ध्यान दे पाएंगे। हमारे सामने होगा सब कुछ माँ, और जब ऐसा होगा माँ, भैया हमारे दस्तखत के बिना कोई भी निर्णय नहीं ले पाएंगे माँ। और इसी तरह तुलसी कभी भी आज या कल रघुवीर भैया का फायदा नहीं उठा पाएगी। मम्मी जी, ये वृंदा के भविष्य का सवाल है। आप कहे तो मैं और राकेश ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। बस आप परमिशन दे दीजिए। मीठा खाने का मन कर रहा होगा ना? खीर मेरे हाथों की? खीर? खीर तो मुझे बहुत पसंद है। मैं अभी बना कर लाती हूँ। बस यूं गई और यूं आई। बनाओ ना खेलू, मैं इतनी खीर बनानी है तुलसी के लिए, बनाओ। और तुलसी कुछ खाने लायक बचेगी नहीं। मेरी मम्मी को अपनी मम्मी बनाएगी? वो मेरी मम्मी है, तुम्हारी नहीं। और ये घर भी मेरा है। तुझे तो मैं बताती हूँ, वृंदा ये तो मिर्ची है, क्या कर रहे हो तुम? मिर्ची तेरे आँख में जाएगी, फिर ही तुझे आएगी अक्ल। अगर बचना चाहती है तो आज शाम से पहले उस घर से चली जाना, वरना मैं वृंदा।
एक कदम आगे बढ़ाया तो मैं जानकी माँ को बुला लूंगी। शिकायत करेगी मेरी? कर, मैं भी देखती हूँ मुझे कौन बचाने आता है। दादी मुझे कुछ नहीं होने देगी, उल्टा तेरी पिटाई होगी। जानकी माँ, तू ऐसे नहीं मानेगी। वृंदा, वो वृंदा तो एकदम गुंडी जैसे हरकत करती है। वो मेरी आंखों में मिर्च डालने वाली थी। मैं ठीक हूँ, पर वो वृंदा ठीक नहीं लग रही है मुझे। उस दिन भी वो छोटे सीतानी के साथ कुछ कमरे में कर रही थी। राइट है तुलसी, वो वृंदा तेरी सेठ और जानकी माँ की असली बेटी नहीं है शायद। हाँ। वो वृंदा को ना हमने भी सुना था प्लान बनाते हुए, तेरी जानकी माँ और वो रघु सेठ के खिलाफ। टेप रिकॉर्डर में सुना था हम लोगों ने। पंटी भैया, वो फोन पे जिस गणपत काका से बात कर रही थी उनका कुछ पता लगा क्या? हाँ मैं पता। पता चल गया, मेरे हवलदार दोस्त ने मुझे फोटो और लोकेशन भेजी है। पता है किसकी? गणपत की। अब वो फिलहाल इंदौर में ही है और वो किसी ड्रीम गर्ल बार में है। अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, पकड़ के रहूंगा। आज तो पता चल के रहेगा कि ये वृंदा है कौन और आखिर कहाँ से आई है। बंटी भैया, हाँ? और सबूत के साथ आना, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक और रिपीट कर। थोड़ा थोड़ा कब? पहले पैसे निकाल गणपत, पहले का भी हिसाब बाकी है। सारा उधार चुकता कर, फिर मिलेगा आगे कुछ। अरे क्या पैसे की छोटी छोटी बात कर रहा है? एक दिन ये पूरा बार अपन खरीद लेगा क्या? हाँ अरे विश्वास नहीं कर रहा तू? अरे सुख, अभी फोन लगाता हूँ मालिक को। हेलो राकेश सेठ, मैं गणपत। इतनी टैलेंटेड लड़की थी, मैंने चमेली आपको वृंदा बना के। वो आज मैं चमेली को बहुत मिस कर रहा हूँ, तो सोचा आपको फोन करके हाल चाल पूछ लू। वृंदा चमेली, ये चक्कर क्या है यार? मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि यहाँ मुझे फोन मत किया कर। बोला कि नहीं? और ये क्या नौटंकी कर रहा है तू? साफ साफ बोल तुझे क्या चाहिए। तो सुनो राकेश सेठ, अभी के अभी ड्रीमलैंड बार में 50,000 रुपए लेके नहीं आए ना, तो मैं उसकी याद में सीधा आपके घर आ जाऊंगा और उसकी सच्चाई पूरे परिवार को बता दूंगा। दो कोड़ी के बेवड़े, तू मुझे धमकी दे रहा है? मुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ, अभी ज्यादा नाटक किया ना तो वही आके काट दूंगा फौदा। हेलो, इतनी हिम्मत? मेरा फोन काटा? बेबी, ये 2% का आदमी मुझे धमकी दे रहा है, इसका गेम करना पड़ेगा।
जल्दी से जल्दी। शांत हो जा राकेश, पहले बैंक वाला काम कर लो, वकील लोग आते ही होंगे, इसके बाद इससे निपट लेना। बेबी, अब हमें करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब देखिए तुलसी हमारी बड़ी सयानी दंगल प्ले पर टीवी से पहले।